वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी नोबडी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें हच मैंसल नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि साधारण सा आदमी है और वो सिंपल सी लाइफ ही जी रहा है। हच की वाइफ का नाम बेका है और तो और हच के दो बच्चे भी हैं, जिनमें बेटे का नाम ब्लेक है और बेटी का नाम सैमी है। वैसे हच अपने फादर इन लॉ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है और हच की डेली लाइफ देखकर पता चलता है कि उसकी फैमिली में कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सिवाय उसकी बेटी सैमी के। ऐसे ही एक रात दो रॉबर्ट्स हच के घर में घुस आते हैं, जहां वो लोग हच को गन पॉइंट पे लेकर पैसों की डिमांड करने लगते हैं। तो हच उन्हें पैसे और अपनी घड़ी दे देता है, मगर जब रॉबर्ट्स यहां से जाने लगते हैं, तब हच का बेटा ब्लेक एक रॉबर को पकड़ लेता है। यानी अब हच के पास इन्हें गोल्फ स्टिक से मारने का फुल मौका है, मगर कुछ सोचकर हच रॉबर्ट्स को कुछ भी नहीं करता, जिससे रॉबर्ट्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर जाने से पहले वो ब्लेक को जोरदार घूंसा मारते हैं, जिसकी नफरत ब्लेक अपने फादर पे निकालता है। वैसे हच को उसकी फैमिली में न तो कोई प्यार करता है और न ही रिस्पेक्ट करता है, तो ये सब देखकर पुलिस वाले भी हच के साथ सिंपथाइज करने लगते हैं। अब हच काफी परेशान है कि आखिर उसके लाइफ के साथ चल क्या रहा है, वो ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता। मगर इस समय हच की बेटी सैमी उसे खूब प्यार करती है, जिससे हच को थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती है कि एटलीस्ट कोई तो है जो उससे प्यार करता है। नेक्स्ट डे जब हच बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा होता है, तब उसका नेबर उससे पूछता है कि मौका होने के बावजूद तुमने रॉबर्ट्स पर हमला क्यों नहीं किया, जिसका हच के पास कोई भी जवाब नहीं था। और जब हच अपनी जॉब पे जाता है, तो उसका ब्रदर इन लॉ भी सेम क्वेश्चन करता है, तो हच उसे भी कोई भी जवाब नहीं देता। तो हच का ब्रदर इन लॉ उसे एक गन देते हुए बोलता है कि इस गन को अपने पास रखो और जरूरत पड़ने पर मेरी सिस्टर की फैमिली को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद हच का फादर इन लॉ एडी हच से कहता है कि तुमने वही किया जो सही था, तो किसी की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि तुम मेरी कंपनी को खरीदना चाहते हो, तो हच बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें अच्छा रिटायरमेंट और फैमिली को बेटर फ्यूचर देना चाहता हूँ, मगर कोई भी मुझे समझता ही नहीं है। इसके बाद हच अपने ऑफिस का डोर लॉक करके एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलता है, जिसमें एक रेडियो था। हच इस रेडियो के थ्रू अपने भाई हैरी को कॉन्टेक्ट करके बोलता है कि यार मेरी लाइफ की तो लगी पड़ी है। इसके बाद फिर ये लोग ऐसे ही आपस में मजाक करने लगते हैं और फिर फाइनली हच बताता है कि कल रात दो रॉबर्स मेरे घर में चोरी करने आए थे। प्रोबेबली वो कपल थे अराउंड लेट 20s के, मगर वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जैसे कि वो लोग पहली बार रॉबरी कर रहे हों। और तो और उनके पास जो गन मौजूद थी वो खाली थी, यानी वो लोग कोई रॉबर्स नहीं थे। मैं चाहता तो उन्हें आसानी से मार सकता था, मगर मैं ऐसे डरे घबराए लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता। तो हैरी उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया वो सही किया। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि हच कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। शाम होने पर हच घर लौट आता है, तो वो देखता है कि उसकी बेटी सैमी काफी परेशान है कि उसका प्यारा ब्रेसलेट कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये जानकर हच को लगता है कि प्रोबेबली सैमी के ब्रेसलेट को वो रॉबर्ट्स चुरा के ले गए होंगे। तो हच बिना कुछ सोचे सीधा अपने पिता के घर जाता है। वेल, हच के पिता एक नर्सिंग होम में अपने रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तो हच अपने पिता का FBI ID बैच और उसकी गन ले लेता है। इसके बाद हच रॉबर्ट्स को ट्रैक करने लगता है। वो ऑब्वियसली अपने पिता का FBI बैच दिखाकर जल्द ही रॉबर्ट्स के घर का पता लगा लेता है, मगर कुछ ड्रग्स हच को घेर लेते हैं। वेल, ऑब्वियसली हच एक एक्सपायर्ड आईडी बैच यूज करेगा, तो कोई ना कोई तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो हच इन्हें कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा करना चाहता है, तो ठग्स का लीडर उसकी बात मान जाता है। वेल, असल में उसने हच के हाथ पर एक टैटू नोटिस कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद हच रॉबर्ट्स के घर पे पहुंच जाता है, जहां वो रॉबर्ट कपल को कूटकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट वापस लेना चाहता है। मगर तभी हच को पता चलता है कि इनकी बच्ची काफी बीमार है और बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए ही इस कपल ने पैसे चुराए थे। तो हच गिल्टी फील करके यहाँ से चला जाता है, मगर अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो पब्लिक बस लेकर घर जाने लगता है। मगर तभी कुछ रशियन ठग्स बस को रुकवा के बस पे चढ़ जाते हैं। वेल, ऑब्वियसली ये नशेड़ियों का ग्रुप बस को लूटने आया है, तो इन्हें देखकर हच स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो रॉबर्ट्स पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पाया, तो अब वो इन ठग्स पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने वाला है। इसके बाद हच इन ठग्स को बुरी तरह से पीटने लगता है और जल्द ही वो इन सभी गुंडों को तोड़ फोड़ देता है। मगर इस समय वो पिटता भी खूब है और न जाने हच को क्या सोचती है, वो ठग्स को चाकू से काटना पीटना चालू कर देता है, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। मगर इस ग्रेट बैटल में एक लड़का कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है, जिससे अब वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। तो हच हर भले आदमी की तरह उस लड़के की गर्दन में एक स्ट्रॉ घुसा देता है, जिससे अब वो लड़का अच्छे से सांस ले पा रहा है। इसके बाद हच घर लौट आता है, जहां बेका उसकी हालत देखकर काफी घबरा जाती है और फिर वो हच की इंजरीज को ट्रीट करने लगती है। तो हच बोलता है
कि मैं अपने ओल्ड टाइम्स को काफी मिस करता हूँ, जब मुझे एक नॉर्मल आदमी होने का नाटक करना नहीं पड़ता था, और अब इस बोरिंग लाइफ से मैं थक चुका हूँ और ऐसा लगता है कि हर रोज मैं धीरे धीरे मरता जा रहा हूँ। तो ये सब सुनकर बैंका रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हमें यूलियन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक क्लब की स्टेज पर मस्त डांस कर रहा था। वेल, यूलियन एक मॉबस्टर है जो लोगों का पैसा लेकर उनके लिए क्राइम्स करता है। तभी यूलियन को अपने एक ठग का कॉल आता है कि किसी ने तुम्हारे भाई को बहुत बुरी तरह से मारा है। वेल, असल में यूलियन अपने भाई की जरा भी परवाह नहीं करता, मगर अब रेपुटेशन का सवाल है कि किसी ने मशहूर मॉबस्टर यूलियन के भाई को अधमरा कर दिया है, तो अपनी इमेज बनाए रखने के लिए यूलियन को बदला लेना होगा। तो यूलियन अपने बाकी ठग्स के पास जाकर उन्हें पीटने लगता है। वेल, ये लोग यूलियन के भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे बॉडीगार्ड्स किस काम के हैं। इसके बाद एक दूसरा ठग बोलता है कि हमें अकेले एक ही आदमी ने मारा है, वो आदमी जॉन विक की तरह खतरनाक है, उसे जितना भी मारो वो हमें डबल इंटेंसिटी के साथ मार रहा था। तो यूलियन अपने आदमियों से कहता है कि उस आदमी का पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ हज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालकर काफी खुश था, जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। मगर तभी हज को अपने भाई हैरी का कॉल आता है, तो हज बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लैंडलाइन पर कॉल मत किया करो। मगर हैरी बिना फिकर किए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि कल रात तुम उन ठग्स को पीट कर काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहे हो, मगर अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, क्योंकि कल रात तुमने जिन ठग्स को पीटा है उनमें से एक लड़का नॉर्मल ठग नहीं था। वेल, हैरी यूलियन के भाई की बात कर रहा है। हैरी कॉल कट करने से पहले हज को रिमाइंड करता है कि द बार बार नाम के आदमी से जाकर मिलो, वो तुम्हें यूलियन के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके बाद हज हैरी के एडवाइस सुनकर द बार्बर से मिलने चला जाता है, जहां इन्हें देखकर लगता है कि हज इन हाई क्लास लोगों को अच्छे से जानता है। तो बार्बर हज को देखकर बोलता है कि तुम्हें देखे एक अरसा हो गया है, तुम तो बूढ़े हो चुके हो। मगर हज उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं है, तो बार्बर हज को यूलियन की फाइल देते हुए बोलता है कि तुमने इस बार एक तगड़े गैंगस्टर से पंगा लिया है, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से यूलियन पूरा जल्लाद है, जिसके लिए ह्यूमन लाइफ कोई मायने नहीं रखती। वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भी मार सकता है, और तुमने उसके भाई को पीटकर उसकी ईगो को हट किया है, तो अब वो बदला जरूर लेगा, जिसके लिए तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। मगर अभी भी हज बेफिक्र था, तो बार बार बोलता है कि यूलियन बहुत बड़ा क्राइम लॉर्ड है, जिसके पहुंच काफी ऊपर तक है। वैसे यूलियन ऑब्शेक का शेयर होल्डर है, जिससे वो दिन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, और कहा जाता है कि ऑब्शेक का सारा पैसा यूलियन की देखरेख में रहता है, यानी यूलियन के पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे यूलियन को आर्ट्स कलेक्ट करने का काफी शौक है। वहीं दूसरी तरफ यूलियन के हैकर जोरों शोरों से हज को ढूंढ रही थी, मगर उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, तो वो अपने फ्रेंड को ब्लैकमेल करके हज की जानकारी निकालने के लिए कहती है। वेल, उसका फ्रेंड पेंटागन में काम करता है, तो वो अपना सिक्योरिटी एक्सेस यूज करके हज की डिटेल्स निकालने लगता है। मगर हज का नाम डालते ही एक्सेस डिनाइड शो करने लगता है। मगर ये आदमी भी खतरों का खिलाड़ी है, जो फॉरबिडन रिकॉर्ड एरिया में जाकर पेपर फाइल्स चेक करने लगता है, जिसमें उसे नोबडी नाम से एक फाइल मिल जाती है। तो वो इस फाइल की कॉपी बनाकर यूलियन के हैकर को भेज देता है, मगर इस फाइल को देखकर हैकर की चटक जाती है। तो वो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके यूलियन से बोलती है कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, और तो और मैं रातों रात इस कंट्री को भी छोड़ रही हूँ। तो अब यूलियन को भी अंदाजा है कि उसका पाला किसी नॉर्मल आदमी से नहीं पड़ा है, हज जरूर कोई पहुंची हुई चीज है। वहीं हज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालकर काफी अच्छे मूड में है, तो वो अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग करने में कामयाब हो जाता है। वेल, असल में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह वो खुद है, क्योंकि हज पहले हर समय मायूस और उदास रहता था, तो उसकी फैमिली उससे काफी डिसअपॉइंटेड थी। मगर अब हज को हंसता हुआ और खुश देखकर बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। मगर तभी हज को विंडो से बाहर कुछ कार की हेडलाइट दिखती हैं, तो हज फुल अलर्ट हो जाता है, और फिर वो जल्दी से अपनी फैमिली को बेसमेंट में ले जाने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि जरूर यूलियन ने अपने आदमियों को भेजा होगा। और ऐसा होता भी है, यूलियन के काफी सारे गुंडे गन्स लेकर हज के घर में घुस आते हैं, मगर हज पहले से अलर्ट हो गया था, तो वो अपना बेसबॉल बैट से इन्हें मारना चालू कर देता है, और जल्द ही वो इन गुंडों को मार देता है। वैसे हज न जाने क्यों इतनी मारकाट करके काफी खुश था, मगर तभी अचानक से एक गुंडा हज को टेजर से शॉक देकर बेहोश कर देता है, और फिर ये ठग हज को अपनी कार में डालकर अपने बेस लौटने लगते हैं। वहीं अब तक कार के ट्रंक में हज को होश आ गया था, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके कार में धुआं धुआं कर देता है, जिससे ड्राइवर का ध्यान भटकने से कार पोल में ठुक जाती है, और कार के इस क्रैश में हज के अलावा सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हज पहले एक असैसिन हुआ करता था,
जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ऐसी किलिंग्स करता था जो एजेंसीज लीगली नहीं कर सकती थीं। इसके बाद हच अपने घर लौट आता है जहां डेड बॉडीज ट्रॉफीज की तरह बिखरी पड़ी थीं। तो जब हच अपनी फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकालता है तो वो लोग हच की ट्रॉफीज को देखकर काफी डर जाते हैं। तो हच रातों रात अपनी फैमिली को सेफ जगह के लिए भेज देता है और वो खुद अपने घर जाकर अपनी ट्रॉफीज यानी कि डेड बॉडीज को सोफे पे सजा देता है और फिर वो इन ट्रॉफीज को अपने पास्ट की स्टोरी सुनाने लगता है कि कुछ साल पहले मुझे एलन नाम के आदमी को मारने का काम मिला था, मगर न जाने क्यों मैंने एलन को नहीं मारा, जिसके लिए एजेंसीज काफी नाखुश थी। और फिर एक साल बाद मैं एलन की हालत फिर से चेक करने गया था, मगर अब एलन क्राइम छोड़कर अच्छी लाइफ जी रहा था, उसकी एक अच्छी फैमिली थी, एलन काफी खुश था। तो मुझे ये सब देखकर काफी जेलस फील होने लगा क्योंकि मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहता था। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि मैं अब ये काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मेरे बॉस ये जानकर खुश नहीं थे, मगर उन्हें अंदाजा था कि मैं इंसान की खाल में एक वुल्फ हूँ जो कुछ समय के लिए सीधा बन सकता है, मगर अल्टीमेटली मुझे शिकार करना होगा। वेल, मैंने न्यू लाइफ शुरू कर दी जिसमें मैं बेका के साथ शादी करके काफी खुश था, मगर टाइम के साथ साथ मैं अपने पुराने काम को मिस करने लगा और धीरे धीरे मेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, जो आखिर मैंने यूलियन के भाई और उसके बॉडीगार्ड्स पे निकाल दी। यानी मेरे बॉस का अंदाजा बिल्कुल सही था, मगर हच के स्टोरी सुनने वाले तो ऑलरेडी मर चुके थे। तो हच घर में आग लगाकर यहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूलियन के दो गुंडे उस नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं जहां हच का फादर मौजूद है। वेल, ये दद्दू तो मस्त सो रहे हैं, मगर जब ये ठग्स दद्दू को मारने वाले थे तब दद्दू जग जाते हैं, जो क्रीपी स्माइल देते हुए अपनी शॉटगन से इन गुंडों को उड़ा देते हैं। यानी ये दद्दू नॉर्मल दद्दू होने की बजाय सुपर दद्दू हैं। वेल, हच के फादर जो हैं, वहीं दूसरी तरफ हच एडी के पास जाकर उसकी कंपनी खरीद लेता है। तो एडी भी इतने सारे गोल्ड बार देखकर काफी खुश था। वेल, एडी भले ही हच का फादर इन लॉ है, मगर रिश्ता अपनी जगह पे है और धंधा अपनी जगह पे, तो वो कंपनी के रियल वैल्यू से दुगनी अमाउंट पर हच को कंपनी बेच देता है। इसके बाद हच इन बाप बेटों को यहाँ से दफा करके कुछ ट्रैप्स तैयार करने लगता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि यूलियन उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा। तो वो अपकमिंग बैटल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके लिए उसने खूब सारी गन तैयार कर ली है। मगर हच कुछ सोचकर यूलियन के अड्डे पे पहुंच जाता है जहां वो यूलियन के सभी गुंडों को मार देता है, वो भी बहुत बेरहमी से। इसके बाद हच सभी गुंडों को मारकर यूलियन के पैसों में आग लगा देता है, जिसे यूलियन ने बहुत मेहनत से कमाया था। इसके बाद हच यूलियन के क्लब पहुंच जाता है जहां यूलियन मस्त गाना गा रहा था। तो यूलियन हच को देखकर अलर्ट हो जाता है, तो उसे ऐसा देखकर हच बोलता है कि ठंड रखो यार, हम शांति से बैठकर बातचीत कर सकते हैं। मगर असल में हच ने टेबल पर एक बॉम्ब रखा हुआ है जिसे वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। तो ये देखकर सभी गुंडे यहां से भाग जाते हैं सिवाय यूलियन के। वैसे हच की इस स्पीच टॉक को सुनकर यूलियन के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि वैसे तो मेरे सभी आदमियों को मार दिया है, इंक्लूडिंग मेरे भाई को भी, और तो और मेरे सभी आर्ट कलेक्शन और पैसों को आग लगा दिया है, और अब आकर पीस टॉक की बात कर रहा है। वेल, ऑब्वियसली यूलियन हच की पीस टॉक वाली बकवास पर ध्यान नहीं देता, वो तो बस हच को जान से मारना चाहता है। तो हच मौका पाकर यहां से भाग जाता है क्योंकि यहां पर यूलियन को उसके आदमियों के साथ मारना इतना आसान नहीं होगा। तो वो अपने फादर इन लॉ वाली कंपनी की तरफ जाने लगता है जहां उसने ट्रैप्स तैयार कर रखे थे। वैसे यूलियन एंड गैंग भी तेजी से हच का पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे, मगर हच भी तगड़ा खिलाड़ी है जो जल्द ही मेटल फैक्ट्री तक पहुंच जाता है और वो गुंडों के वेलकम के लिए रेडी हो जाता है। मगर इस समय हच को एक गोली लग जाती है। वैसे हच को बचाने के लिए उसका भाई हैरी भी आ चुका है जो अपनी राइफल से कई गुंडों को मार देता है। वेल, हच के फादर यानी सुपर दद्दू भी यहां पे आ चुके हैं जो अपनी शॉटगन से गुंडों को उड़ाने लगते हैं और वो इतना धमाका करके काफी खुश हैं। इसके बाद दद्दू हच से बोलता है कि हम लोग वुल्फ हैं जो बिना शिकार किए जी नहीं सकते, हमें समय समय पर शिकार करने में मजा आता है। तो मुझे जब पता चला कि तुमने रशियन मॉबस्टर में उंगली की है तो मैं भी पार्टी ज्वाइन करने चला आया। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे गुंडों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हैरी भी इनका साथ दे रहा था। वैसे काफी सारे गुंडे हच के बनाए ट्रैप से मारे जाते हैं और हैरी भी गजब का शूटर है जो तीन गुंडों को एक ही गोली से मार देता है, और सुपर दद्दू क्रीपी लाफ देते हुए गुंडों को उड़ाए जा रहे थे। और इसी समय हच भी सुपर तरीके से गुंडों को मारते जा रहा है। वैसे इन सब में सबसे ज्यादा डेंजर तो सुपर दद्दू थे जो बेफिक्र होके सभी को मार रहे हैं क्योंकि वैसे भी उनका वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, तो उन्हें मरने का जरा भी डर नहीं है। और जल्द ही ये तीनों मिलकर सभी गुंडों को मार देते हैं सिवाय यूलियन के। मगर इस समय हैरी को एक गोली लग जाती है, तो हच एक बुलेट प्रूफ ग्लास पर एक बॉम्ब चिपकाकर यूलियन की तरफ जाने लगता है, जिसे बॉम्ब फटने पर यूलियन का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। मगर हच अभी भी ठीक ठाक है,
इसके बाद काम पूरा होने पर हर्ष इन दोनों को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उनके बिना शायद वो मारा जाता। इसके बाद हर्ष इन दोनों को यहाँ से भगा देता है, क्योंकि उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं। वैसे इस फाइट में हर्ष ने एक बिल्ली और एक आर्ट पेंटिंग को बचा लिया था, जिन्हें उसने यूलियन के कलेक्शन में से चुराया था। इसके बाद हर्ष को अरेस्ट करके इंटरोगेट किया जाता है, तो हर्ष बस इतना ही कहता है कि मैं एक नोबडी हूँ। और तभी पुलिस डिटेक्टिव्स को किसी का कॉल आता है, जिसे सुनते ही ये लोग हर्ष को आजाद कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेका और हर्ष न्यू घर खरीदने आए हैं। मगर तभी हर्ष को अपने ओल्ड बॉस का कॉल आता है, जो ऑब्वियसली हर्ष को उसकी ओल्ड पोस्ट पर रीइंस्टेट करना चाहता है। तो बेका इस कॉल को सुनकर सेल्स एजेंट से पूछती है कि क्या इस घर में बेसमेंट है, और अगर न हो तो हमें जल्दी से रीइंफोर्स्ड बेसमेंट चाहिए होगा। वेल, बेका भी अपने पति और उसके काम को समझने लगी है, तो इमरजेंसी के लिए वो बेसमेंट बनवा रही है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सुपर दद्दू और हैरी बहुत सारी गन्स के साथ कहीं जा रहे हैं। वेल, ये लोग हर्ष के कलेक्शन को रिलोकेट कर रहे हैं, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।